तार दे मां तार दे, वक्तों की नैया तार दे, भव सिंधु में टकरा रही ले बली ठोकर मार दे। इश्क कहता है कि चल दिलवर का दीदार कर, अक्ल कहती है कि मत अपनी जिंदगी ख्वार कर। इश्क कहता है, इश्क कहता है आशिक को न डरना चाहिए, अक्ल कहती है कि सोच समझ के काम करना चाहिए। इश्क कहता है, इश्क कहता है होगा सो देखा जाएगा, अक्ल कहती है कि नादान बेमौत मारा जाएगा। बंधु, आप हमारा ये प्रोग्राम प्रेम की आग त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसके गायक हैं लक्ष्मण सिंह हजियापुर निवासी, ढोलक बजा रहे हैं मास्टर पप्पू, चिमटे पर साथ दे रहे हैं मुकेश भाई पावसर वाले, मटका खनका रहे हैं गिरिराज, और कैसेट के लेखक हैं राज बहादुर शर्मा व महाशय हरीश सिंह जी पला जरारा निवासी। तो सुनिए प्रेम की आग। इस प्रेम जैसा दुनिया में, इस प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है। इस प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है। ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है। इस दुनिया में कैसे जालिम लोग हैं, दो दिलों को मिलने नहीं देते, एक पल भी उन्हें चैन से रहने नहीं देते। ये दास्तान दिल को दहलाने वाली देखिए दो प्रेमियों की है। सुनना सभी तुम गौर से गमनाक कहानी, एक खूबसूरत लड़की थी प्रेम दीवानी। ये कहानी ऐसी लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है, बहुत थोड़ी अवस्था है लड़की की, जिसका नाम है कल्पना। बचपन में जिसको प्यार अपनी माँ का नाम मिला, 6 वर्ष की वो लड़की चलता है सिलसिला। पढ़ने लगी स्कूल में अपने ही गांव में, लड़का था एक मनोज बैठता था पास में। लड़की जिसकी उम्र 6 वर्ष की है गांव के स्कूल में पढ़ने जाती है, उसी के पास एक लड़का बैठता है जिसका नाम है मनोज। ओहो, धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई और उनमें प्यार भी होता गया है। पढ़ने लगी स्कूल में अपने ही गांव में, लड़का था एक मनोज बैठता था पास में। वो धीरे धीरे 16 साल पार कर गई, वो
दो प्रेमियों की कली देखो दिल की खिल गई, दो प्रेमियों की कली देखो दिल की खिल गई। अब धीरे धीरे उनकी अवस्था 16 साल को पार हो गई है। दोनों प्रेमी आपस में प्रेम करने लगे हैं, ये एहसास उन दोनों को हो गया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ है कि लड़के का बाप परदेशों से घर आया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं लड़के को अपने साथ ही ले जाऊंगा। लड़के का बाप लड़के को अब शहर ले चला, लड़के का बाप लड़के को अब शहर ले चला, बेचारी कल्पना को मजबूर कर चला। जब लड़के ने सुना कि मेरे पिता मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे, कल्पना से कहा कि कल्पना अब मैं पिता के साथ जा रहा हूं। कल्पना कहने लगी, नहीं, तुम्हारे बिना मैं जीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। कि नहीं ऐसा मत करना, हम जरूर मिलेंगे। लड़के का बाप लड़के को अब शहर ले चला, बेचारी कल्पना को मजबूर कर चला। लेकिन लड़का मनोज शहर को चला गया, पर कल्पना का दिल घर में नहीं लगता है, क्योंकि एक तो उसके मां नहीं है, उसका बाप है। उसने एक काम और कर डाला। भैया कौन सा? उस कल्पना के बाप ने विचार ना किया, एक सुंदरी से दूसरा विवाह कर लिया, एक सुंदरी से दूसरा विवाह कर लिया। अब तो कल्पना के पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी मौसी घर में आ गई है। बंधुओं, मौसी का प्यार अब सब लोग जानते हैं कैसा प्यार होता है। मौसी ने रौब आते ही पति पर जमा दिया, पति को गुलाम उसने अपना बना लिया। लगी है तंग रंग कैसा चढ़ गया, करने लगी है तंग रंग कैसा चढ़ गया। अब तो मौसी ने आते ही रौब शुरू कर दिया, क्योंकि जवान उम्र की मौसी है। कल्पना कहती है कि मौसी हमारी मां नहीं है। मौसी कहती है चिंता न कर, लेकिन उसकी बगल में छुरी है, मुंह से मीठी बातें करती है। अब क्या हुआ है, फौरन ही अब उस बाप को एहसास हो गया, बाप उसका गुलाम है। अब मौसी बेचारी कल्पना को मारने पीटने लगी। कल्पना घर का सारा काम करती है, लेकिन बाप को मालूम हुआ कि हमारी बेटी दुखी है। फौरन ही अब उस बाप को एहसास हो गया, बेटी को देख देख के बीमार पड़ गया, बेटी को देख देख के बीमार पड़ गया। बहुत से डॉक्टर और वैद्यों को दिखाया, मगर चिंता जिगर में छा गई, बुखार नहीं है। कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है। चिंता जिगर में छा गई, बुखार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है।
और क्या हुआ? ठीक नहीं है, बहुत इलाज कराया, करवाया है इलाज पर वो ठीक ना हुआ। उस नाजनी को रात दिन देता है बद्दुआ। करवाया है इलाज पर वो ठीक ना हुआ। उस नाजनी को रात दिन देता है बद्दुआ। कल्पना की मौसी को बुरा भला कहता है, लेकिन वो आवारा गर्दी में घूमती है। आखिर बेचारा बाप चला दुनिया छोड़ के। एक दिन उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई। आखिर बेचारा बाप चला दुनिया छोड़ के। बिन माँ की बच्ची की चला किस्मत को फोड़ के। बिन माँ की बच्ची की चला किस्मत को फोड़ के। ज्यादा ही मन चली, हट करके उस लड़की को वो शहर ले चली। मौसी ने कहा, बेटी ओ कल्पना, तेरे पिता भी चल बसे, अब गुजारा कैसे होगा, चल कहीं शहर में चलते हैं। उस कल्पना की मौसी थी ज्यादा ही मन चली, हट करके अब उस लड़की को वो शहर ले चली। सोचने लगी कि कितनी खूबसूरत है कल्पना, मगर इस खूबसूरत चेहरे का फायदा उठाऊंगी, ले जाके इसको शहरों में बेश्या बनाऊंगी, ले जाके इसको शहरों में बेश्या बनाऊंगी। ये सोच करके मौसी फौरन ही चल पड़ी, कल्पना को लेके वो शहर आ गई। उस कल्पना को लेके वो शहर आ गई। कल्पना ने कहा, मौसी आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? मौसी ने कहा, चल शहर में रहेंगे, अब यहाँ दम घुटता है, क्योंकि रामायण में बताया है, जीविन देह नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। जब हमारा पति चल बसा तो हम क्या करेंगे यहाँ, चल शहर में आ गए हैं। पर चित का घर बता के कोठे पे आ गई। कहाँ पहुंच गई, जहाँ के वैश्याएं रहती थी, अपना जिस्म बेचा करती थी। पर चित का घर बता के कोठे पे आ गई। वैश्या उसे बना दिया बदी समा गई। वैश्या उसे बना दिया बदी समा गई। बेचारी कल्पना को जबरन वैश्या बना दिया। आहा, अपनी माँ की याद करके रोती है कि माँ तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया? अगर तू मुझे जन्म नहीं देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या हुआ है, दिल्लत की जिंदगी में उसको फंसा दिया। उस कल्पना के वास्ते क्या गुल खिला दिया। बेचारी तरह तरह की यातनाएं झेलती है, अब उस कोठी पर रहकर ही अपना जीवन बिताने लगी। उधर क्या हुआ है, किस्सा बयां करूं मैं लड़के मनोज का। किस्सा बयां करूं मैं लड़का मनोज का। लक्ष्मण तुम्हें सुना रहा गमनाथ दास का। लक्ष्मण तुम्हें सुना रहा गमनाथ दास का। मनोज जो अपने पिता के साथ में शहर आ गया, उसका दिल नहीं लगता, बेचारा परेशान है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उस कल्पना की याद में पागल सा हो रहा,
बेचैन आटो पहर दिल का चैन खो रहा, बेचैन आटो पहर दिल का चैन खो रहा। ये प्यार मेरे यार रुझगार नहीं है, आहा ढाई अक्षर प्रेम का, प्रेम को हर कोई नहीं जानता, प्रेम प्रेम सभी कहे प्रेम न जाने कोय, शीश काट हाथई धरे प्रेम कहावे सोए। ये प्यार मेरे यार रुझगार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है। अब पड़ोस में मनोज का एक सच्चा यार था, सच मानिए वो उसका दिले गम ख्वार था, कहने लगा मनोज से रोता है यार क्यों, बहती है तेरे नैन से आंसू की धार क्यों। एक दिन यार ने कहा है मनोज से कि मनोज यार तू रोता क्यों है, जब तुझे देखता हूँ तेरी आंखों में आंसू। कहने लगा कि हमारे गांव में हमारी प्रेम का थी, हमारे पिता ने उसको छुड़ा दिया हमसे, क्या करे। कहने लगा है यार से तुझको बताऊं क्या, इस दर्द दिल की दास्तां तुझको सुनाऊं क्या, इस दर्द दिल की दास्तां तुझको सुनाऊं क्या। बिन कल्पना के यार कभी जी न पाऊंगा, ये आह दिल की है भैया, क्या कहे, ये रोग ही ऐसा है। बिन कल्पना के यार कभी जी न पाऊंगा, मैं दूसरी लड़की से न शादी रचाऊंगा, मैं दूसरी लड़की से न शादी रचाऊंगा। यार ने कहा कि तेरे पिता से कहकर मैं तेरी शादी करा दूं कि नहीं, शादी नहीं करनी, जीना है तो कल्पना की याद में, मरना है तो कल्पना की याद में। कहने लगा है यार मैं वादा निभाऊंगा, अच्छा अगर तू शादी नहीं करना चाहता तो सुन। कहने लगा है यार मैं वादा निभाऊंगा, उस कल्पना से यार मैं तुझको मिलाऊंगा। बचपन की प्रेमिका से मिलने निकल पड़े, सुन कल्पना का हाल वो बेचैन हो गया, किस्सा तमाम सुन के मनोज रो गया। मनोज अपने यार के साथ में अपने गांव में आया और पूछा कल्पना कहाँ गई। गांव वालों ने कहा कि कल्पना का पिता मर गया, कल्पना अपनी मौसी के साथ कहीं दूर चली गई। इतनी सुनकर एकदम से पछाड़ खाई, रोने लगा कि यार अब क्या करें। लेकिन यार ने कहा चिंता न कर, सूरत बना रखी है क्यों देवदास की, सूरत बना रखी है क्यों देवदास की, माना ये मैंने पक्की है तेरी आस की, माना ये मैंने पक्की है तेरी आस की। जब तक पड़ेगी पेश में जोखिम उठाऊंगा, चिंता न कर तू यार तेरे गम मिटाऊंगा। यार कहने लगा मनोज तेरे आंसू जो गिरते हैं ना, मुझे बहुत दर्द होता है, आंसू के बहाने में कोई सार नहीं है, आंसू के बहाने में कोई सार नहीं।
का बाजार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है। ये प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है, ये प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है। ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है। यार ने कहा कि मनोज, अरे रोना धोना बंद कर, जब तक मेरी पेश पड़ेगी तेरी कल्पना को जा करके कहीं न कहीं जरूर ढूंढूंगा। यूं कह के उसका यार उसे शहर में लाया, पर कल्पना के प्यार को वो भूल न पाया। ये प्रेम का बंधन है जो कि टूटता नहीं, ये रोग प्रेमियों का कभी छूटता नहीं। कहने लगा मनोज से अब घूमने चलें, रस तितलियों का आज यार चूसने चलें। जब उसका यार वापस शहर में ले आया, लेकिन मनोज का दिल लगता नहीं है। एक दिन यार ने कहा कि चल यार आज कोठे पर चलते हैं, वहां बैश्याएं रहती हैं, और चल तेरा दिल बहलाऊंगा, बड़ी बड़ी सुंदर तितलियां मिलेंगी वहां। बाजार में आए हैं दोनों प्रेम दीवाने, बाजार में आए हैं दोनों प्रेम दीवाने। कोठे पे लेके आ गया है दिल को बहलाने, कोठे पे लेके आ गया है दिल को बहलाने। आज मनोज अपने यार के साथ में कोठे पर आ गया। आज से पहले कभी कोठे पर नहीं आया था। वहां का आलम देखकर एकदम बहुत चक्का रह गया। बोला, अरे यार यहाँ तो सब बैश्याएं हैं कि और क्या, यहाँ तू मन को बहला ले अपना। अच्छा भैया। कहने लगा है यार लूट ले बहार तू, उस कल्पना को भूल जा कर ले सुधार तू। कितनी खड़ी है कोठे पे बंधन के अप्सरा, कितनी खड़ी है कोठे पे बंधन के अप्सरा। जीवन है मौज मस्ती का तू सोच ले जरा, जीवन है मौज मस्ती का तू सोच ले जरा। यार ने कहा, देख तेरी सूरत बिल्कुल देवदास जैसी लग रही है। अरे आशिक इन आंसुओं को छोड़ दे, बाहर लूट ले, ये बसंत है और ये आलम रोज रोज नहीं मिलते हैं। अब तो मनोज पीछे पीछे हो लिया कोठे पर खड़ा, एक कमरे में प्रवेश करता है। लेकिन भैया यूं देख कर मनोज ने उस यार से कहा, दिल कल्पना के जिंदगी में कुछ नहीं बचा। शीशे में अब मनोज की निगाह जब पड़ी, मुरझाई सी एक सामने है अप्सरा खड़ी। मनोज अपने यार के साथ एक कमरे में बैठ गया, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। शीशे में जब उसकी नजर पड़ी तो वही कल्पना का चेहरा सामने आ गया। सोच रहा है मैं स्वप्न देख रहा हूं या जागृत अवस्था में हूं, सूरत बिल्कुल कल्पना जैसी है। आज मुड़ के देखा जो कल्पना को दिल उसका खिल गया, देखा जो कल्पना को दिल उसका खिल गया। सदियों का जिसका बिछड़ा साथी जो मिल गया। पास में आया, बोला आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम कल्पना।
और मेरा नाम मनोज, मनोज का नाम सुनते ही एकदम से लिपट गई भैया, बोली आज मिले हो इतने वर्षों बाद, यहां सब कुछ बर्बाद हो गया, यार ने कहा करे चल, कहने लगा है यार से यहां से न जाऊंगा, यही है मेरी जिंदगी दिल को लुटाऊंगा, उस प्रेमिका के साथ में वो रात भर रहा, रोते हुए सब हाल कल्पना ने अब कहा, मनोज अपने यार से बोला कि यार अब नहीं जाऊंगा, देख जिस कल्पना की याद में मैंने वर्षों बिताए, आज ये कोठे पर मिली है, देख इसकी हालत, एक नाजुक कली को क्या बना दिया, अब नहीं जाऊंगा, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, रात भर रहा और उस कल्पना ने रोते रोते अपना सारा हाल कह दिया कि मुझे मेरी मौसी ने यहां कोठे पर ला करके बिठा दिया, आहा सिर हाथों में ले लिया है मनोज ने और बोला चिंता नहीं करना तुझे यहां से ले जाऊंगा, बाहर करूंगा नरक से जोखिम उठाऊंगा, बाहर करूंगा नरक से जोखिम उठाऊंगा, बचपन से सहा दर्द में कैसे भुलाऊंगा, मंदिर में शादी करके दुल्हन बनाऊंगा, मंदिर में शादी करके दुल्हन बनाऊंगा, आहा बोला हर लम्हे होंगे प्यार के इनकार नहीं है, ये प्रेम है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है, प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है, प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है, ये प्रेम है, प्रेम है अजी प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है, ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है। इधर मनोज और उसकी प्रेम का कल्पना दोनों रात भर बातचीत करते रहे, कल्पना ने दिल का सारा हाल सुना दिया है, कल्पना कहने लगी है तुम मुझे छोड़ना नहीं, मनोज ने कहा चिंता न कर तुझे यहां से निकाल कर तेरे साथ में शादी कर लूंगा, क्या बोली तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, नजरों से देखे तो समझूं, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझूं कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, I'm not afraid।
सो रहा है। मौसी रोजाना मार लगाती है, डर के मारे थर थर कांप रही है। मनोज ने कहा, चिंता न कर, ये जो नरक है जो तू फंसी हुई है इससे निकालूंगा तुझको, चिंता न कर प्यारी। एक दिन मनोज मौसी से बोला है एक सवाल। सुबह को मनोज चला जाता है, शाम को आता है, ये रोज का काम है उसका। जब मौसी को ये विश्वास हो गया कि ये मेरा रोज का ग्राहक है, तो 2 महीने बाद मनोज ने कहा है मौसी से। एक दिन मनोज मौसी से बोला है एक सवाल। वो कहने लगा मौसी से अपने दिल का हाल, कहने लगा मौसी से अपने दिल का हाल, कहने लगा मौसी। एक दिन बोला है, कर हो इजाजत कल्पना को बाहर ले जाऊं, होते सुबह में इसको यहाँ छोड़ के जाऊं। ग्राहक मनोज रोज का विश्वास कर लिया, दोनों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। मौसी ने कहा, सुबह को तुम इसको ले आना, अब कल्पना को लेके चला प्रेम दीवाना। तीनों जने चलते हुए होटल पे आ गए। मौसी ने कहा है कि एक मेरी तरफ से और जाएगी तुम्हारे साथ, हालांकि मुझे मनोज तेरा विश्वास है, पर ये मेरे यहां से एक लड़की तेरे साथ और जाएगी देखभाल करने के लिए। तीनों जने चलते हुए होटल पे आ गए। अब कल्पना मनोज ने सब गम भुला दिए। मनोज ने उस औरत को बातों में ले लिया, देख करके चकमा प्यारी को वहां से भगा दिया। अब दोनों प्रेमी भाग के मंदिर में आ गए, ले आए लाल जोड़ा फूल दिल पे खिल गए। ये टूटे से ना टूटे झूठा प्यार नहीं है, टूटे से ना टूटे झूठा प्यार नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रेम है, आज ये प्रेम है, कोई दौलत का बाजार नहीं है। दोनों उस तीसरी औरत को धोखा देकर के भाग आए हैं। मंदिर में पहुंचे सीधे,
शादी का जोड़ा पहन लिया बड़े प्यार से, करने लगे ही मिन्नत परवरदिगार से। मंदिर के पुजारी ने संकट मिटा दिया, डलवा के साथ फेरे बंधन बना दिया। बना के कल्पना को घर पे ले आया, अपने पिता से हाल अपना दिल का सुनाया। कल्पना से शादी करके सीधा घर आया, पिता को जब समाचार सुनाया, पिता ने कहा, धन्य है बेटे, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटे की बात सुन के गले से लगा लिया, किया है नेक काम शान को बढ़ा दिया। कल्पना की हालत जब सुनाई तो पिता बोले, धन्य है बेटे, इस बेचारी दुखिया पर उपकार कर दिया। सपनों को तूने लाल के साकार कर दिया। दोनों वो बड़े प्यार से रहने लगे घर में, दोनों की चर्चा होने लगी सारे शहर में। जवान वृद्ध सभी सोचने लगे, इसको निकालो जाति से, यूं बोलने लगे। मनोज के बाप से कहने लगे, तेरे घर में वैश्या है, रंडी है, इसको बाहर निकाल। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव वाले इकट्ठे होकर बोले, इसको जाति से निकाल दो। अब गांव वालों ने ये करिश्मा दिखा दिया, हुक्का और पानी जात से उनका छुड़ा दिया। जाति से निकाल दिया। उधर वो तीसरी जो औरत थी, मौसी के पास पहुंची और जाकर बोली है, धोखे में मुझको डाल, उसको भगा गया, अपराध कर तो माफ दगा हमको दे गया। धोखा किया है इसका एतवार नहीं है। मौसी ने कहा, है जालिम, तूने उन दोनों को कहां विदा कर दिया, बोल कितने पैसे लिए तूने। हाथ जोड़ने लगी कि मुझे पता नहीं चला कब भाग गए। दो गुंडों को बुलाया और कहा, इसे गोली से उड़ा दो। धोखा किया है इसका एतवार नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रेम है, कोई दौलत का बाजार नहीं है। ये प्रेम है, कोई दौलत का बाजार नहीं है। औरत को गोली मार के मौसी मचल गई, गुंडे बुलाए आठ दस, ये दास्तां कही। गुंडों से कहा कि पहले मनोज का जो यार था उसको लाओ, क्योंकि हमने मनोज का घर देखा नहीं है। उसको पकड़ के मौसी के जब पास में लाए, जो जो हुआ तबाह किया वो हाल सुनाए। जब मनोज के यार को पकड़ के लाए हैं तो मनोज का घर बता दिया है। मनोज के घर पहुंचे हैं गुंडे, और भैया क्या होने लगा, ये प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है। प्रेम जैसा दुनिया में कोई सार नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रेम है, कोई दौलत का बाजार नहीं है। सभी कर गौर, क्या होता है साथ में, गुंडों को लेके साथ बैठी मौसी घाट में। मनोज का यार मनोज के पास पहुंचा और बोला, यार तूने नई शादी की है, मैं तुझे दावत खिलाऊंगा। समझा नहीं है यार दोस्ती का नजारा, ले आया प्रेमियों को उसने किया इशारा। बेचारा
जिसको यार समझता है वही घात करने के लिए निकल पड़ा। मनोज और कल्पना को साथ लेकर जब आगे बढ़ा और गुंडों को इशारा कर दिया कि मनोज आ गया है। धोखे से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है, धोखे से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है, ये प्रेम है, ये प्रेम है, आज ये प्रेम है, कोई दौलत का बाजार नहीं है। बंधुओं, अब गुंडों ने बेचारे मनोज को पकड़ लिया, अब क्या होता है? जलती है कैसे प्रेम दीवानों की ये होली, पाकर के मौका मार दी मनोज के गोली। गिरने लगा जमीन पे अब हाथ हिलाया, ए यार तूने साथ मेरा कैसा निभाया। क्या बात है, मैं समझता रहा तुझे यार तरफदार, निकला तू वाकई में ए यार तू गद्दार, अपना समझ के कर लिया था तुझ पे एतवार, चलता हूँ इस जगत से ले ले मेरी नमस्कार। सीने में गोली मार दी। मनोज बोला, अरे यार तूने हमारे साथ में गद्दारी की है। एक कल्पना न तेरा मैंने साथ निभाया, मैं जानता हूँ काल मेरे सर पे है छाया, खाई थी कसम जो मैंने वो तोड़ के चला, अपराध करना माफ आज छोड़ के चला। रोती रही खड़ी, बेचैन होके कल्पना सीने पे गिर पड़ी, बेचैन होके कल्पना सीने पे गिर पड़ी। तेरे बिना मनोज कभी जी न पाऊंगी, तेरे बिना मनोज कभी जी न पाऊंगी, सातों जन्म तुम्हारा मैं तो साथ निभाऊंगी, जन्म तुम्हारा साथ मैं निभाऊंगी। आएगी कभी लौट के बहार नहीं है, इस जन्म में हम दोनों बिछड़ रहे हैं, अब अगले जन्म में तुम्हारा हमारा मिलन जरूर होगा मेरे प्रेम। ये मेरा प्यार आज रूठ के चल पड़ा है मनोज, आएगी कभी लौट के बहार नहीं है, ये प्रेम है, ये प्रेम है, आज ये प्रेम है, कोई दौलत का बाजार नहीं है, ये प्रेम है, कोई दौलत का बाजार नहीं है। मौसी ने मनोज के यार से कहा था कि तू मनोज को मेरे पास ला देगा तो कल्पना के साथ मैं तेरी शादी रचा दूंगी। आहा, मनोज का यार बोला, अब मेरी शादी रचा दे, मैंने अपने यार को भी मरवा दिया है, मेहरबानों क्या होता है। अब यार बोला मौसी से तुम वादा निभाओ, मरवाया मैंने यार मेरी शादी रचाओ, मरवाया मैंने यार मेरी शादी रचाओ। इस शहर में अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा, सोहर बनूंगा मैं इसे दुल्हन बनाऊंगा। मौसी बिखड़ी सुन रही है प्यार की बोली, एकदम से उसने मार दी है यार में गोली, एकदम से उसने मार दी है यार में गोली। उस यार को गद्दारी का तोहफा जो मिल गया, उस धर्म के बाजार में सौदा जो तुल गया, उस धर्म के बाजार में सौदा जो तुल गया।
यार ने गद्दारी की, आज वो भी यार दुनिया से चला गया मौसी में, उस यार में गोली मरवा दी है। अब बिचारी कल्पना अपने उस प्रेमी के विरह में व्याकुल हो गई और क्या बोली है, डोली ले के पिया द्वार पे आ गए, डोली ले के पिया द्वार पे आ गए, मेरे अरमा भरे के भरे रह गए। चार पतियां भी उनसे मैं ना कर सकी, मेरे ताले जवाब लगे रह गए। डोली ले के पिया द्वार पर आ गए, मेरी अरमा भरे के भरे रह गए। डोली ले के पिया द्वार पर आ गए, डोली ले के पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमा भरे के भरे रह गए। डोली ले के पिया द्वार पर आ गए। चलते चलते सभी इंद्रियां थक गईं, चलते चलते सभी इंद्रियां थक गईं, मुँह पे ताले लगे के लगे रह गए। डोली ले के पिया द्वार में आ गए। उनके आते ही पत्थर
मानो संसार सारा गजब ढा गया मानो मानो संसार सारा गजब ढा गया मेरे ने ना लड़े के लड़े रह गए डोली ले के दिया द्वार पर आ गए बंधुओं आज बेचारी कल्पना मनोज की याद करके रोती है इधर अब मौका देख कल्पना झट छत पे चढ़ गई अब मौका देख कल्पना झट छत पे चढ़ गई अब जी नहीं पाऊंगी वो जिद पे अड़ गई अब जी नहीं पाऊंगी यह देख करके मौसी पकड़ने चली मौसी ने देखा कि आज इसकी आंखों में रोष है कुछ करने बैठे इरादा समझ गई मौसी चली है पीछे उसको पकड़ने के लिए यह देख करके मौसी पकड़ने चली एकदम से छत से गिर पड़ी मुर्गी हुई कली मौसी हुई हैरान देखे समाजरा आहा मौसी बोली मुझे ये मालूम नहीं था ए कल्पना तूने तो मेरा सारा ठाट चौपट कर दिया ये क्या किया तूने मौसी हुई हैरान ऐसा देख माजरा बिन कल्पना के होगा कैसे मेरा गुजारा बिन कल्पना के होगा कैसे मेरा गुजारा एकदम पुलिस भी आ गई छत से गिर पड़ी है कल्पना ने अपने प्रेमी की याद में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया प्रेम की अग्नि में कूद पड़ी है बिचारी ये हाल सुन के एकदम पुलिस भी आ गई भगने लगी है मौसी बदहवासी छा गई भगने लगी है मौसी बदहवासी छा गई पुलिस उसको पकड़ के थाने ले चली है और थाने में जाकर जब डंडों की मार पड़ी थाने में जाके दुष्टनी पे मार जब पड़ी जो भी था सच्चा हाल वो सबको उगल पड़ी जो भी था सच्चा हाल वो सबको उगल पड़ी ये प्रोग्राम आप त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं फांसी के देती सजा दरोगा जी ने कहा कि इसको फांसी होनी चाहिए गुनहगार है इसने कई कत्ल किए हैं फांसी की दे दी सजा अब व्यवहार नहीं है ये प्रेम है कोई दौलत का बाजार नहीं है